अध्यक्ष महोदय, हमारे जो गांव के रास्ते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, वो कोई 27 फुट चौड़ा है, कोई 33 फुट चौड़ा है, कोई 44 फुट चौड़ा है। बोलेंगे ही नहीं। और उनमें मार्केटिंग बोर्ड ने और PWD ने 12-12 फुट की सड़कें बनाई हुई हैं। और 12 फुट की सड़क बनने के बाद वन विभाग ने क्या किया, उन सड़कों के साथ साथ ही पेड़ लगा दिए। और जब अब वो सड़कें जो 12 फुट की बजाय 18 फुट चौड़ी करनी पड़ रही है, वो सबसे बड़ी दिक्कत वन विभाग के लगे हुए पेड़ आए हैं। और उन पेड़ों को काटने के लिए पहले तो सरकार का खर्चा वो पेड़ लगाने पे हुआ, अब वो पेड़ काटने पे हुआ, और बहुत से पेड़ उनमें अपनी उम्र भी पूरी नहीं करते। तो मेरा अनुरोध है, ऐसा कानून बनाया जाए और वन विभाग को आदेश दिए जाए कि जो भी सड़क बनी हुई है उसकी निशानदेही लेकर और 30-35 फुट सड़क की जगह छोड़कर उसके बाद पेड़ लगाएं, ताकि वो सड़क चौड़ी करने में भी दिक्कत ना आए और ना वो पेड़ काटने पड़े और ना ही सरकार का डबल खर्च करना पड़े। दूसरा, स्पीकर महोदय, जो भी विधायक इस सदन में अपना सवाल लगाते हैं और मंत्री खड़े होकर आश्वासन देते हैं, लेकिन उस आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता। मेरा अनुरोध है, अभी जो भी मंत्री विधायक को आश्वासन दे, कम से कम उस आश्वासन को पूरा करें। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन के पहले ही सेशन में एक अपनी पीपली की PHC का मुद्दा उठाया था और मंत्री महोदय ने, हेल्थ मिनिस्टर ने खड़े होकर ये मानना था कि हाँ, मैंने उस PHC की जगह खुद देखी है, उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। और मंत्री जी ने कहा था कि अगर विधायक जी कहीं पर भी वहां पर जगह दुआ दें तो हम वहां पर ट्रामा सेंटर बनाने का काम करेंगे। मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तो PHC की बात करी थी और मंत्री जी ने ट्रामा सेंटर दे दिया। मैंने सेशन के बाद गांव में गया, गांव की पंचायत बुलाई और 6 एकड़ जमीन का रेजुलेशन पास करके मंत्री जी को दे दिया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 करोड़ की जमीन फ्री में मैंने रेजुलेशन दिलवाया हुआ है, वो वायदा जरूर पूरा करवाया जाए। धन्यवाद श्री जगबीर।